बीर और इमली एक नया नया फ्लैट खरीदते हैं जो 24 फ्लोर पर होता है। सब कुछ ठीक से चल रहा होता है, तभी इमली के बेडरूम में चोरी हो जाता है। इमली चोर को लिफ्ट से भागते हुए देख लेती है। वो तुरंत बीर को कॉल करती है। इमली बीर से बोलती है, बीर अभी अभी फ्लैट में चोरी हुआ है और चोर लिफ्ट से भागा है। लेकिन सेम टाइम पे एक और आदमी लिफ्ट से नीचे गया है, लेकिन कंडीशन ये है जो आदमी पहले पहुँचेगा वही चोर है। बीर नीचे कुछ काम कर रहा होता है, वो तुरंत लिफ्ट के पास भाग कर जाता है। बीर लिफ्ट के पास चोर का इंतजार करता है, तभी उसके सामने एक जंगली खूंखार कुत्ता आ जाता है। बीर कुत्ते को देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जब बीर वापस आता है तो देखता है लिफ्ट आ चुकी रहती है। लिफ्ट के पास दो आदमी खड़े रहते हैं। अब बीर को ये पता लगाना है कि इसमें से चोर कौन है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो इसमें से चोर कौन है? आपका जवाब हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, क्या आपने चोर को ढूंढ लिया? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, चलो हम ही बता देते हैं। दोस्तों, चोर ये पहला वाला आदमी है। कैसे, चलो समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आप लिफ्ट पर ध्यान दें तो पहला वाला लिफ्ट बंद हो चुका है, जबकि दूसरा लिफ्ट अभी खुला हुआ है। इसका मतलब पहले वाला लिफ्ट पहले आया और दूसरा वाला लिफ्ट बाद में आया था। बीर चोर को जैसे ही पकड़ने जाता है तो चोर वहाँ से भाग जाता है। बीर चोर का पीछा करता है, तभी बीर के सामने चोर का चार हमशक्ल दिखाई देता है। अब बीर को ये पता लगाना है कि इसमें से चोर कौन है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो इसमें से चोर कौन है? अच्छे से देखिए और आपका आंसर हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, क्या आपने चोर को ढूंढ लिया? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, चलो हम ये बता देते हैं। दोस्तों, चोर है तीसरा वाला इंसान है। कैसे, चलो देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लिफ्ट के पास ध्यान दिए होंगे तो चोर के गाल पर एक टैटू था, और यहाँ पर भी तीसरे नंबर वाले इंसान के गाल पर भी एक टैटू है। इससे साबित होता है कि चोर ही तीसरा नंबर वाला इंसान है। तो दोस्तों, आपने क्या सोचा था? आपका आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इन इमोजीज को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से ऑड वन आउट इमोजी कौन सी है। इनमें से ऑड वन आउट इमोजी ए है। दोस्तों, अब आपके सामने एक तस्वीर है जिसमें दादाजी और इमली एक गड्ढे में गिर गए हैं। पीछे सड़क से एक बस आ रही है। तो दोस्तों, आपको ये बताना है कि बीर इन दोनों में से किसे बचाएगा? आपका आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया? अगर नहीं तो चलो मैं ही बता देता हूँ। दोस्तों, बीर सबसे पहले इमली को बचाएगा। वो क्यों, चलो समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर दादाजी के पीछे वाली गाड़ी पर ध्यान दिया जाए तो उसमें ड्राइवर है जो ब्रेक लगा सकता है, लेकिन इमली के पीछे जो गाड़ी आ रही है उसमें ड्राइवर नहीं है। वो अनियंत्रित गाड़ी है जो इमली को कुचल सकती है, इसलिए बीर सबसे पहले इमली को बचाएगा। दोस्तों, आपने क्या सोचा था? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।